हिंद, आज हम लोग जानेंगे आसमानी बिजली क्या होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होता है, बादल किस जो बिजली है किस जगह पे गिरता है ज्यादातर, इसका आवाज जो है आवाज इसका बाद में आता है और जबकि लाइट पहले आ जाता है, क्यों आ जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो साउंड है, ये जो साउंड है वो बाद में आता है, जो कि लाइट है उसका पहले आ जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं साउंड जो है 330 मीटर प्रति स्पीड से आता है और ये जो है लाइट इसका 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से आता है। देखिए गर्मी के दिनों में जो पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, जो कि धीरे धीरे ठंडा होते जाता है। 165 मीटर प्रति 165 मीटर पर एक डिग्री सेल्सियस कमता है। तो देखिए क्या होता है, ऊपर में जाने के बाद पत्थर बन जाता है, मतलब कि बर्फ बन जाता है, पानी का टुकड़ा बन जाता है। तो क्या होता है कि ऊपर आपस में जब हवा अंधे तूफान चलता है तो क्या होता है कि बर्फ जो है आपस में टकराता है, आपस में टकराने के बाद चार्ज उत्पन्न हो जाता है। उसमें क्या होता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जो है पॉजिटिव चार्ज हल्का होता है और नेगेटिव चार्ज भारी होता है। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे चला आता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि अगर सेम चार्ज में अट्रैक्ट सेम चार्ज में रिपेल करता है, तो अगर इसमें चार्ज नेगेटिव है तो और इसमें, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अगर सेम चार्ज में ये रिपेल करेगा और अगर नेगेटिव प्लस रहा माइनस प्लस तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करता है और प्लस माइनस रहेगा ये भी अट्रैक्ट करेगा। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं कि जो बर्फ है आपस में टकराने से दो चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे चला जाता है। तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज नीचे आने से पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो इसको कहाँ मिलता है पॉजिटिव चार्ज, तो नीचे में मिलता है। नीचे में जब थंडर स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, तो थंडर स्टॉर्म क्या करता है, हवा चलता है तो उसमें एक फ्रिक्शन उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि अगर जमीन पर पेड़ आपस में लड़ रहा है तो क्या होता है, फ्रिक्शन उत्पन्न हो, उसमें भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो वो क्या पॉजिटिव हो जाता है नीचे में चार्ज होने से। ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को नीचे में ढूंढता है। तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलता है वो यहाँ आना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ये सेम चार्ज में रिपेल करता है और डिफरेंट चार्जेज में अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से यहाँ इसको डिफरेंट चार्जेज मिलता है, तो डिफरेंट चार्जेज मिलने से ये क्या करता है, अट्रैक्ट करना शुरू करता है पॉजिटिव चार्ज पर। तो ये क्या करता है, नीचे आना शुरू कर देता है। तो ये किस जगह, ये जो है नेगेटिव चार्ज किस किस जगह पे आता है, तो ये आता है सारे पॉजिटिव चार्जों पे। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ मिलता है, तो जब आंधी तूफान चलता है, तो उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए कि हम लोग को बाहर में नहीं रहना चाहिए, ताकि कहाँ कहाँ पता ना कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज है और उसपे अट्रैक्ट होकर के गिर जाता है, जो जिसको हम लोग आम भाषा में उसको आकाशीय बिजली कहते हैं, या तो ठनका बोलते हैं, या तो बिजली, या तो इसको हम लोग बोलते हैं बज्जर आम भाषा में। देखिए जो आसमानी बिजली होती है उसमें 10 करोड़ वोल्ट होता है, और जो हम लोग घर में आता है वो 220 वोल्ट, जिसपे वो गिर गया ना तो गिरा, और उसके बाद जो है इसका करंट जो है 10,000 एम्पियर, और हम लोग के जो कूलर पंखा चलता है वो मात्र 5 एम्पियर से चलता है, 5 एम्पियर से, और जो ऊपर से गिरता है उसमें करंट जो है 10,000 होता है, 10,000 एम्पियर। उसके बाद जो है हीट उसका 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज्यादा है, और जो सूरज का टेम्परेचर है वो होता है तकरीबन 6,000 होता है बस, और ये होता है हीट इसका 27,000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा होता है। जिस पर ये गिर गया ना वो तो कौवा से भी बेकार हो जाएगा। तो इसके बाद टाइम है बहुत कम, मिली माइक्रो सेकंड में टाइम होता है, जो कि 0.0005 सेकंड के लिए होता है। ये बहुत कम समय के लिए ठहरता है अर्थ पे, बहुत समय के लिए, यही एक बहुत खासियत है इसका। अब हम लोग जानेंगे कि जब आसमानी बिजली गिरती है तो इतना कष्ट आवाज क्यों करता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं, अगर एक लोहे के रॉड को गर्म करते हैं तो अगर उसमें ठंडे पानी मिलाते हैं तो छन से करने के बाद, तो अगर वो जो है आसमानी बिजली वो क्या करता है कि अगर उसमें 27,000 डिग्री सेल्सियस मतलब सूर्य के तापमान से भी ज्यादा है, तो वो क्या अगर एटमोस्फेयर में जाएगा तो वो कितना कस की आवाज करेगा, इसीलिए वो आवाज करता है। जब वो एटमोस्फेयर में जाता है तो बहुत कस के उसमें आवाज उत्पन्न हो जाता है और हम लोग को आवाज सुनाई देता है। जैसे कि हम लोग दूसरे एग्जांपल से चलते हैं, तो अगर गर्म तेल में अगर ठंडे पानी को मिलाते हैं तो छन से करता है। तो छन से क्यों करता है कि उसका जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है,
तेल का और पानी का कम होता है तो उसमें छन से आवाज। इससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने लाइटनिंग रॉड या लाइटनिंग कंडक्टर का निर्माण किया। लाइटनिंग कंडक्टर कहाँ पे लगा रहता है? टावर के मेन ऊपर में लगा हुआ रहता है, ताकि वो क्या करता है, इसी को बोलते हैं तड़ित चालक। ये क्या करता है, टावर में जो ऊपर में मुंडी टाइप पे लगा हुआ रहता है, ये क्या करता है उसमें लगा दिया जाता है और उसके साथ साथ में मोटे तार से उसको अर्थिंग किया हुआ रहता है, जमीन मिला के कर देता है। और अर्थिंग का बहुत सारा खूबियां है, ये क्या करता है जितना सारा भी वोल्टेज आए वो अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको खत्म कर लेता है। और बहुत सारे के घरों में भी हम लोग देखते हैं कि इसमें इस तरह से टावर लगा दिया जाता है और उसके साथ साथ में एक वायर के थ्रू अर्थिंग किया हुआ रहता है और अर्थ जो है अट्रैक्ट करता है। अगर ऊपर से अगर बिजली गिरे भी तो सबसे पहले यहाँ गिरता है, उसके बाद यहाँ से अर्थ में चला जाता है और इससे सेफ्टी हम लोग को मिलती है। जब भी बिजली गिरती है तो जल्दी से जल्दी वो कंडक्टर को खोजता है, तो कंडक्टर उसको कहाँ से मिलेगा? तो क्या होता है, जब पानी पड़ने में रहता है तो क्या होता है, जब हम लोग मोबाइल चलाते हुए रहते हैं अगर बाहर में, तो क्या होता है ये कनेक्ट हुआ रहता है टावर से कनेक्ट हुआ। जब टावर पे बिजली आती है तो टावर पे आने के बाद हम लोग पास भेज देता है, हम वो जो है लाइटनिंग उसको टावर हम लोग के पास आ जाता है। उसके बाद इसीलिए हम लोग को पानी पड़ते समय या बिजली कड़कते समय हम लोग को मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए और बाहर में नहीं करना चाहिए। तो देखिए बिजली जो है हम लोग जानते हैं कि पेड़ पर ज्यादा गिरती है, तो हम लोग सुने हैं कि बिजली जो है पेड़ पर ज्यादा गिरती है, तो क्यों गिरती है पेड़ पे? ये सही बात है कि पेड़ पे गिरती है, तो क्या होता है? और ये भी सुने हैं कि दुधारू पेड़ पे ज्यादा गिरती है, दुधारू पेड़ पर इसलिए गिरती है कि वो भींगा होता है, उसमें अगर खोदिएगा ना तो उसमें से दूध निकलेगा, जैसे बरगद के पेड़ में दूध निकलता है अगर खोदिएगा तो वो क्या होता है कि अगर बिजली जो है ऊपर से आ रही है तो आने के बाद वो क्या करता है अर्थ पे आना शुरू किया, तो अर्थ पे आने से पहले उसे पेड़ मिल गया, तो पेड़ पे क्या है वो पेड़ पे गिरा, तो पेड़ पे गिरने से पहले उसमें क्या है भीगा हुआ रहता है, तो फिर उसमें जब हवा चलता है तो उसमें एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है, तो पेड़ पे ही पहले आ जाता है। तो इसके लिए हम लोग जब बिजली कड़के या तो पानी पड़े तो पेड़ के पास में नहीं रहना चाहिए, खाली मैदान पे नहीं रहना चाहिए, खाली मैदान पे ज्यादा बिजली गिरती है, खास के घरों के रेलिंग पे खिड़कियों के रेलिंग पे झांक के नहीं देखना चाहिए, झांक के देखने से तुरंत अट्रैक्ट होके आ जाता है हमारे पास। तो बिजली होती है वो तालाब के पास ज्यादा गिरती है, तो इसलिए जब बिजली कड़के तो तालाब के पास में हम लोग को नहीं रहना चाहिए। और अब टावर के पास नहीं रहेगा, टावर के पास हालांकि वो लाइटनिंग लगा हुआ रहता है, वो क्या करता है अर्थ में अट्रैक्ट है, लेकिन उसमें इतना ज्यादा वोल्टेज होता है ताकि हम लोग को भी नुकसान हो सकता है अगर टावर के नजदीक हम लोग रहेंगे तो। देखिए आप ये गलती कभी नहीं करिएगा कि अगर पानी पड़े तो उसमें छतरी लेके हम लोग बैठ कहीं पे चले, छतरी में क्या होता है कि इसमें कंडक्टर लगा हुआ रहता है और कंडक्टर जब चलते हैं तो कंडक्टर से क्या होता है अर्थ मिल जाता है और वो जो है हम बहुत कष्ट उस पर करंट मारता है। देखिए जैसे कि आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं बाबू सोना मोना टोना कर रही है यहाँ पे बैठ के, ये क्या कर रही है अभी इसको कुछ नहीं पता चल रहा है कि पानी पड़ रहा है या क्या हो रहा है, ये छाता लेके बैठी हुई है, पता ना वो किसका इंतजार कर रही है, अभी तो जाएगी तुरंत। देखिए जरूरी नहीं है कि जिसपे गिरता है वो मर ही जाता है, वो उसपे गिरने के बाद वो जिंदा भी रहता है और उसके जो पीठ पे है हर जगह पे क्या पेड़ के जड़ के समान उसमें चिन्हान आ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लीचेन वर्ग। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि एक बार बिजली गिरने के बाद उस जगह पे बिजली नहीं गिरती है, तो ये गलत बात है। देखिए अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे क्या बहुत बार बिजली गिर चुका है, राज सलमान नमक के ऊपर 7 बार बिजली गिर चुका है तभी वो जिंदा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो बिजली नुकसान ही करता है। देखिए एक व्हील चेयर पर एक आदमी था, उसमें ग्राउंड में वॉकिंग के लिए गए हुए थे, वॉकिंग पानी पड़ने लगा, उसके बाद उस पर एक बिजली गिर गई, उसके बाद वो लकवा था और वो भी व्हील चेयर पर था लेकिन वो जो है व्हील चेयर से वो ठीक हो गया, भी हो सकता है किसी के लिए। देखिए हम लोग इससे पहले एक एग्जांपल दिए थे ग्राउंड पे नहीं रहना चाहिए, ग्राउंड पे देखिए इसलिए नहीं रहना चाहिए कि अगर हम लोग ग्राउंड पे खेलने गए तो ग्राउंड पर खेलने से अगर 4 व्यक्ति है तो 4 हमेशा क्या करना चाहिए एक जमा बैठ जाना चाहिए, अगर बाहर में है तो एक जमा बैठ जाना चाहिए और वो भी कान ढक के। देखिए अगर एक जमा रहिएगा दौड़िएगा ग्राउंड पे अगर दौड़िएगा तो उसमें क्या होगा फ्रिक्शन होने से उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है जो कि चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। कि अगर आप ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो हर लड़कन से आपको 100 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए, 100 मीटर की दूरी पर रहें, इसलिए कि अगर एक जमा रहेंगे तो क्या होगा कि ज्यादा
वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होकर के आ सकता है हमारे पास में। देखिए ये जो बिजली होती है ये बादलों के टकराने से होती है। बादलों के टकराने से ये तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। फर्स्ट होता है इंट्रा क्लाउड और दूसरा क्लाउड टू क्लाउड और क्लाउड टू ग्राउंड। ये तीनों होता है। ये इंट्रा क्लाउड क्या होता है? अगर बादलों के आपस में टकराने से अगर बादलों के ऊपर से टकराने में नेगेटिव पॉजिटिव होकर के आपस में ही अट्रैक्ट हो जाता है, आपस में ही अट्रैक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा क्लाउड। जो कि हम लोग का आवाज नहीं आता है हम लोग के पास। वो क्या होता है? सिर्फ बादल चमकता है, सिर्फ दिखता है हम लोग को, आवाज हम लोग के पास नहीं आता है, सब कुछ उपाधि में होता है। उसके बाद है क्लाउड टू क्लाउड। क्लाउड टू क्लाउड क्या होता है? एक ही क्लाउड टू क्लाउड क्या होता है? जो एक तरफ बादल और दूसरे तरफ बादल ये दोनों टकराते हैं तो उसको क्लाउड टू क्लाउड बोलते हैं। और उसके बाद है, और देखिए क्लाउड टू ग्राउंड क्या होता है? क्लाउड टू ग्राउंड क्या होता है? वो बादल से और ग्राउंड से हो तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड टू ग्राउंड। क्लाउड टू क्लाउड में क्या होता है? बहुत ज्यादा आवाज करता है, उपाधि में बहुत ज्यादा आवाज करते हुए रहता है। क्लाउड टू ग्राउंड को हम लोग बोलते हैं वज्रपात। वज्रपात अगर वज्रपात बोलते हैं कि अगर जो ऊपर से गिर गया तो हम लोग बोलते हैं जा गिर गेलू।